In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Praise be to Allah, Lord of the worlds. Dear students, today we are going to study kinds of punishments. Section 53 of PPC provides these kinds of punishments which are inflicted upon criminal or a convicted person. यानी जो सजा याफ्ता होता है या मुजरिम होता है उसको ये सज़ाएँ दी जाती हैं. 53 सेक्शन PPC पाकिस्तान पिनल कोड की वो डिस्क्राइब करती है कि सबसे पहली जो सज़ा दी जाती है वो है किसास. किसास क्या है? पनिशमेंट बाई कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कन्विक्ट एज ही हैज कॉज टू द विक्टिम. यानी ऐसी सज़ा जिसमें सिमिलर हर्ट दिया जा रहा है किसको? सेम पार्ट ऑफ बॉडी को, कन्विक्ट मुजरिम के. कन्विक्टेड कहते हैं जो सज़ा याफ्ता होता है, यानी वो फिलहाल जो है कोर्ट से कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है. तो जो सज़ा याफ्ता है उसकी बॉडी के उस हिस्से पे सेम जो है सज़ा देना जिस तरह से उसने विक्टिम मुतासरा आदमी या जो ज़ख्मी आदमी, इंजर्ड आदमी, मकतूल आदमी उसको जो है सज़ा दी, उसके ऊपर जो है जिस तरह से जुर्म का इर्तकाब किया है. तो किसास जो है ये कुरान से है. अल अब्दु बिल अब्दी, अल हुर्रु बिल हुर्री, अल अनफु बिल अनफी, कुरान मजीद की आयत है. तो इसमें अल्लाह ताला ये भी कहता है कि इसमें जो है लोगों के लिए रहमत है. किसास यानी जब नाफिज होगा तो मुजरिम जो है जुर्म करते हुए डरेंगे. सज़ाएं देने का मतलब ये है कि जुर्म का इर्तकाब रोका जाए. तो पनिशमेंट्स में सबसे पहली सज़ा जो है किसास, उसके बाद दूसरे नंबर पर दियत है. लेकिन दियत से पहले आप ये चीज़ जहन में रखें कि किसास जो है अगर नहीं होता तो उस सूरत में बाज़ वरसा जो है मकतूल के वरसा वो कहते हैं कि हम दियत ले के अपना राइट को वेव्ड करते हैं. वो वली जो होता है, जो उसके वरसा होते हैं, तो कंपनसेशन पेएबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम बाय द अफेंडर. अफेंडर कहते हैं जुर्म करने वाले को, मुजरिम को, यानी जिसने अफेंस कमिट किया है वो अफेंडर है. मुजरिम की तरफ से जो मुतासर आदमी है, मकतूल है या मजरूह है, उसके वरसा को जो कंपनसेशन दी जा रही है उसे हम नाम देते हैं दियत का. ये मुख्तलिफ है, इसका एक पैमाना बना हुआ है, क्राइटेरिया है. तो दियत जो है वो उस सूरत में ली जाती है जब वरसा जो है एग्री हूँ कि हमने दियत लेनी है, वरना पहली फार्म जो है वो अप्लाई होगी किसास वाली. तीसरी जो सज़ा है अर्श की, जो सेक्शन 53 में दी गई है PPC के, ये स्पेसिफाइड मॉनिटरी कंपनसेशन है जो किसको दी जाती है? विक्टिम आर हेयर्स, जो मुतासर आदमी है, ज़ख्मी आदमी है, मजरूह आदमी है, उसको दी जाएगी या उसके जो है वरसा को दी जाएगी. यानी स्पेसिफाइड है, इसको मखसूस किया गया है, मख्तस किया गया है. चौथी जो पनिशमेंट है दमान. जमान भी कहते हैं इसे, दमन भी पढ़ते हैं. कंपनसेशन विच इज़ डिटरमाइंड बाई कोर्ट, ये भी कंपनसेशन किसे कहते हैं? तलाफी. यानी कोई नुकसान हो गया, नुकसान का अजाला करना, अजाला करने को हम कंपनसेशन कहते हैं. तो ये वो कंपनसेशन है जिसे कोर्ट ने डिटरमाइन करना है. ये चौथी किस्म है पनिशमेंट की. कोर्ट जो है मालूम करती है उसके फिनंशियल कंडीशन को देख कर, जो अफेंडर है और इधर से जो उसके वरसा हैं उनकी हालत को देखकर, फिर वो स्पेसिफाई कर देती है कि इतनी जो है कंपनसेशन देनी है. फिफ्थ पनिशमेंट है ताज़ीर. ताज़ीर, हद और ताज़ीर दो चीज़ें हैं, इनको डिफरेंशिएट करना है. हद हदूदुल्लाह, जो अल्लाह ने वाज़ह लिख दी हैं, ये सज़ाएं. उसके बाद दूसरी ऐसी सज़ाएँ हैं जिन्हें ताज़ीर कहा जाता है. कॉमनली हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं ताज़ीर वो सज़ा है विच इज़ नॉट फिक्स बाई लेजिस्लेचर बट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. लेजिस्लेचर किसे कहते हैं? मुकन्नना. मुकन्नना कौन सी है? कानून साज इदारा, यानी हमारी नेशनल असम्बली हमारी लेजिस्लेचर है. हमारी जो लेजिस्लेचर है
फेडरल सतह पर वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल से मुराद दो एवानी। दो एवानी क्यों है? एक नेशनल असेंबली है जिसे लोअर हाउस कहते हैं, एक उससे अपर हाउस है जिसे सेनेट कहते हैं। तो हमारी लेजिस्लेचर ने ताजीर को जो है फिक्स अगर नहीं किया तो वो लेफ्ट है किस पे? डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पे। कोर्ट ने देखना है कि इसको कितना सज़ा देनी है। कोर्ट ने फैक्ट्स को देख के, क्योंकि जज को भी कहा गया है ए जज मस्ट वेयर ऑल लॉज ऑन हिज स्लीव, जज भी ड्यूटी बाउंड है। जज को ये नहीं है कि वो अनब्रेडल्ड पावर दी गई है, कानून का वो पाबंद है, कानून के साथ साथ उसने अपने फैसलों के अंदर वो क्या कहते हैं सजेस्टी को लाना है और उनके अंदर रीज़नेबलनेस को लाना है, माकूलियत को लाना है, ताकि फैसले सुनने के बाद देखने के बाद लोग कहें कि ये इंसाफ हुआ है। और अल्लाह का वो फरमान भी यही है ए दिलू हुआ अकरबुल तकवा, अदल करो ये तकवा के बहुत करीब तर है। तकवा इस्लाम की सारी इबादात का क्रक्स है। क्रक्स मीन्स खुलासा। तो अदल करने वाले को अल्लाह कहता है कि ये तकवा के सबसे करीब तरीन आदमी है। तो जजेस को ये जो है उनके ऊपर छोड़ा गया है कि वो सज़ा जो है कितना देनी है, इसे हम ताज़ीर कह रहे हैं। इसके बाद सिक्स जो है डेथ, मौत की सज़ा, सबसे बड़ी सज़ा। कि मौत का नाम आते ही लोगों के ऊपर खौफ तारी हो जाता है, तो सबसे बड़ी इसे कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। ये उस सूरत में दी जाती है जब उसने कत्ले अम्द किया हो, यानी इंटेंशनली मर्डर किया हो, या स्टेट के खिलाफ जो है ऐसी कार्रवाइयाँ की हों जिनमें स्टेट को नुकसान पहुँचाने का दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हो, डेथ सेंटेंस जो है दी जाती है, सबसे बड़ी सज़ा है। इसके बाद सेवन नंबर पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी उम्र कैद, पूरी ज़िंदगी के लिए उसे कैद कर दिया जाता है। एक कहें कि आम तौर पर जो रफ सा एक स्पैन बनाया हुआ है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए वो है 25 ईयर्स, 25 साल। जो 25 साल जो है सज़ा भुगत ले वो एक लिहाज से इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को उसने मुकम्मल कर लिया। तो ये भी डेथ के बाद बड़ी सज़ा है। बेशक वो ये सज़ा कम्यूट होती रहे, जैसे ईदैन के ऊपर हो जाती है, नई गवर्नमेंट आती है कैदियों की सज़ाएं कम करती है, लेकिन फिर भी जो है अगर 14-15 साल भी एक आदमी जेल में गुजार लेता है तो बहुत बड़ी सज़ा है। 8 नंबर पर इम्प्रिजनमेंट, सिंपल और रिगोरस। इम्प्रिजनमेंट की फिर मज़ीद जो है किस्में हैं। सिंपल एक आम सी जो है कैद है, सिंपल कैद है। दूसरी है रिगोरस, ये इसमें ग्रेव किस्म की जो है एक्टिविटी कराई जाती है, हार्ड वर्क कराया जाता है, जिसे कैद बा मुशक्कत कहते हैं। कैद की किस्में हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, यानी बाज़ लोगों को अकेले जो है कैद कर दिया जाता है, ना कोई बंदा वहाँ जाता है, ना किसी से मिलने दिया जाता है। तो किसी आदमी को अकेला जो है, इंसान सोशल एनिमल है, अगर अकेला बिठा दें क्या हो जाएगा, वो काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार हो जाएगा, परेशानियों में मुबतला हो जाएगा, वो भी एक सज़ा की किस्म है। तो ये दो जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अलावा ये उनकी मज़ीद जो है डिस्टिंग्विशनेस है इम्प्रिजनमेंट की, एक सिंपल एक रिगोरस। सिंपल में आम कैद होगी, उसमें मुशक्क़त नहीं कराई जाएगी, रिगोरस के अंदर जो है कैद बा मुशक्क़त होगी, हार्ड वर्क कराया जाएगा। ये जेलों के अंदर जो है मुख्तलिफ काम कराए जाते हैं, मुशक्क़तें कराई जाती हैं, उन्हें रिगोरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। 9th नंबर पर फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद की जब्ती या कुर्की जिसे कहते हैं, ऐसे जुर्म किए हैं जिनकी वजह से उनकी जायदाद जब्त हो जाती है, दहशतगर्दी के जरैम के ऊपर जो है जायदाद की जब्ती कानून कहता है, या कोई और फ्राड किए हुए हैं, कोई इस तरह के जरैम किए हुए हैं, तो फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी जो है नैब जैसे पकड़ता है बंदों को, उनकी जायदाद की जो है कुर्की भी कर लेता है। आमतौर आपने सुना होगा कि इसहाक डार की जायदाद जो है उसको क्या कर दिया गया है, उसकी जब्ती हो गई है, कुर्की हो गई है। 10th नंबर पर फाइन, जुर्माना, यानी ये भी एक सज़ा है कि उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाए। ज़रूरी नहीं कि आप उसे जेल भेजें, ज़रूरी नहीं कि आप उसे जो है वो किस हाथ में ले आएँ, किसी और में। फ़ाइन,
ये फाइन आमतौर पर लगता है माइनर क्राइम्स के ऊपर, छोटे क्राइम। क्राइम्स की भी किस्में हैं कि सिंपल क्राइम है, ग्रेव क्राइम है, हीनियस किस्म के क्राइम है, घनौने किस्म के जराइम है। तो सिंपल क्राइम के ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, जुर्माना लगा दिया जाता है। ये जो है किस्में हैं पनिशमेंट्स की, जो अफेंडर जो कन्विक्टेड होता है, कन्विक्टेड से मुराद सजा याफ्ता, उसके ऊपर जो है वो लागू की जाती हैं। और हमें इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो है सेक्शन 53 ऑफ PPC ये प्रोवाइड करता है। 53 PPC इसमें इन सब जो है वो सज़ाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन है, इनको डिफाइन किया गया है, इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इंटरप्रिटेशन की गई है कि किस मरहले के ऊपर कौन सी सज़ा होगी, उस सज़ा का मोड क्या होगा, मैनर क्या होंगे, मैकेनिज्म क्या होगा, और किस हद तक वो सज़ा वो एप्लीकेबल होगी और किस हद तक वो सज़ा जो है ख़त्म हो जाएगी, कम्यूट कैसे होगी, या वो सज़ा कंपाउंडेबल अगर जुर्म में आ रही है तो कब आएगी। ये सारी कंडीशन जो है सेक्शन 53 और उससे रेलिवेंट सेक्शन में मौजूद हैं। तो ये काइंड ऑफ पनिशमेंट है। ये किस्में पनिशमेंट की, कल जो हमने सवाल पढ़ा था यानी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, उनकी व्यू से हैं। हमने पढ़ा था कि जो सालमंड है और दीगर ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने चार जो है बड़ी थ्योरीज दी हैं। एक थ्योरी डिटरेंस की कि डिटरेंट थ्योरी, दूसरी थ्योरी प्रिवेंटिव थ्योरी, तीसरी थ्योरी वो डिटरेंस जो रोकने वाली, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन करने वाली, और तीसरी थ्योरी रिफॉर्मेशन की थी कि रिफॉर्मेशन करनी है, चौथी थ्योरी रेट्रीब्यूशन की, रेवेंज यानी जैसा उसने जुर्म किया है वैसी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये 10 की 10 सज़ाएँ उन जो है चार थ्योरीज का जो कंक्लूजन बनता है, खुलासा बनता है, उसकी जेल में आती हैं। उनके इन 10 सज़ाओं का ऐसे समझ लें अहाता वो चार थ्योरीज़ करती हैं। उन थ्योरीज़ की रोशनी में ये सज़ाएं जो है इन्फ्लिक्ट की जाती हैं अफेंडर पे, और वो अफेंडर जो कन्विक्टेड हो, यानी क्रिमिनल लॉ ये कहता है, अक्यूज क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि अक्यूज इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, कि मुल्ज़िम क्या है, बेगुनाह है जब तक वो गुनाहगार साबित ना हो जाए। तो गुनाहगार कैसे साबित होगा, उसका पूरा एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बाकी शवाहद से अगर गिल्टी फाउंड होता है फिर कोर्ट उसे सज़ा देगी, तब वो कन्विक्टेड बनेगा। कन्विक्टेड बनने के बाद ये सज़ाएं जो है उसके ऊपर इन्फोर्स की जाएंगी, इन सज़ाओं की इम्प्लीमेंटेशन होगी, या ये सज़ाएं जो इन सज़ाओं की एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर। तो ये सज़ाएं जो है ऐसे हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ नहीं हैं, बल्कि कोर्ट के मुकम्मल प्रोसेस के बाद, जुडिशल प्रोसीडिंग के बाद ये सज़ाएं जो है नाफिज की जाती हैं। इनकी नौईयत, माहियत, नेचर और इनकी जो है वो शेप वो मुख्तलिफ है, लेकिन सब का मकसद एक है कि कन्विक्टेड को वो ऐसे ना जाने दिया जाए, जिसे कहते हैं ना स्कॉट फ्री वो ना हो, बल्कि वो अपने किए की, अब जो उसने बुरा किया है, जो उसने गलत फेल किया है, उसकी सज़ा भुगत के जाए। ये इन सज़ाओं का जो है वो है मकसद है, मेन एम है, या इनके पीछे मोटिव ये है। तो इस हवाले से ये सज़ाएं एक निगाह में अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो सवाल के लिहाज से भी आपके काम आएंगी, ज़िंदगी भर में वैसे जो है ये सवाल अगर इसके ऊपर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो क्रिमिनल लॉ को डील करते हुए आपको दुश्वारी नहीं आएगी। किसास क्या है, दियत क्या है, अर्श क्या है, दमन क्या है। हाँ, इसकी एक सवाल आपके जहन में उठ सकता है कि अर्श कितना होगा, दमन कितना होगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बकायदा जो है एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि दियत की मकदार इतना है, अर्श की मकदार इतना है, दमन की मकदार इतना है। उसके मुताबिक अदालत ने फिर क्या करती हैं, ये सज़ाएं वो सुनाती हैं। तो ये सारी सज़ाएं
सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं कि जरायम करने वालों की सरकोबी की जाए, उनको जो है पनिश किया जाए और जुर्म के इर्तकाब को रोका जाए, उसके आगे बंद बांधा जाए। तो ये क्रिमिनल लॉ का ऐसे समझ लें मेन जो है पार्ट है जो सज़ाओं से डील करता है। तो इसके साथ ही आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। वसलम।